जी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे आईईएक्स। हमने देखा था कि एक समय था 2021 के सेकेंड हाफ में और 2022 के शुरुआती समय में कि जो भी प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स थे ना वो आपको चौके छक्के लगातार लगा रहे थे, चाहे वो सीडीएसएल हो, चाहे आईईएक्स हो, एमसीएक्स, बीएसई, सारे के सारे शेयर चल रहे थे। लेकिन आईईएक्स ने उसके बाद निराश किया। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पावर वॉल्यूम तो बढ़ा और पावर की डिमांड भी बढ़ी, सारी चीजें सेक्टर के लिए पॉजिटिव हुई और पावर शेयरों ने बहुत रफ्तार भरी, उड़ान भरी। आईएक्स कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। आशीष जी, प्रॉब्लम क्या है आईएक्स के साथ? आखिर यह शेयर क्यों नहीं चल रहा है और क्या यहां से चलेगा, इसकी कोई उम्मीद है आपको? सबसे पहले 2021 में उन्होंने बोनस भी दे दिया था, तो ऐसा नहीं कह सकते इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड नहीं किया आईएक्स ने, सफिशियंट रिवॉर्ड किया है। बट जो मैक्रो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वो देखने वाली बात है। जैसे मार्केट कपलिंग पर बात कर रहे हैं सीईआरसी ने, तो इसमें क्या, इसके बाद क्या होगा कि जितने भी एनर्जी एक्सचेंजेस हैं वहां पे जो प्राइसेस के है वो काफी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। दूसरा एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जब तक उसमें पीपीए साइन नहीं होता है तब तक जो लेंडर हैं वो उसको फंड नहीं करते। तो जितने भी आप देख रहे हैं इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है सोलर में या दूसरे पावर सेक्टर में, वहां पर कोई भी जो नया बिजनेस है वो इन जैसी कंपनियों को मिलने वाला नहीं। तो उसके कारण से आप देख रहे होंगे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी स्टैटिक बनी हुई। इनफैक्ट मार्च से जून में तो हमने 8 करोड़ का प्रॉफिट कम होते हुए देखा है आईएक्स का। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते इंस्टीट्यूशन निवेशक भी थोड़ा सा अपनी पोजिशन यहाँ पे कम कर रहे हैं और मेरी सलाह अभी भी आईएक्स में बाय करने की नहीं रहेगी। मेरा लक्ष्य 115 रुपए का इस स्टॉक में अगले 6 महीने के लिए, और अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा।